लोग बच्चों का डाउट है कि जैसे ईवीएस है, 20 नंबर का ईवीएस आना था और 10 नंबर की ईवीएस पेडागोजी आनी थी, तो ये रेशियो बरकरार है या मतलब कुछ ऊपर नीचे भी है? नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे भी है। किस प्रकार? जैसे क्योंकि अब जैसे कि क्वेश्चन उन्होंने एक ऐसा भी पूछा था कि गुजरात में कोई कुप्स करके शहर है, हाँ हाँ। उसमें कब भूकंप आया था पता नहीं, ऐसा कुछ था। अच्छा, वो सन 2000 की बात होगी, 2001-2008 ऐसे करके ऑप्शन थे। अच्छा, उसमें हाँ, तो वो और वो बेब 2.0 कौन से सन में आया था? अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन। हाँ, ये भी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने मतलब आईडिया ही नहीं लगाया था। पीएससी में साइंस और प्रौद्योगिकी जब बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें आते हैं ये क्वेश्चन। अब सर हम लोगों को टीचर बनना है। बाल विकास तो खैर हमारे हिसाब से तो ना इजी था ना ही ज्यादा टफ था। फेमस साइंटिस्ट से क्वेश्चन आए थे? हाँ, जीन प्याजे की थी, लॉरेंस कॉर्वर की, वो जो उनकी वो थी, और एक वो वाला था इकाई योजना के कितने सोपान है ऐसे करके, और इकाई योजना के मतलब और एक दो क्वेश्चन थे। बाल विकास मेरे सबसे ज्यादा टफ तो नहीं था। अच्छा, मतलब ग्रेड 2 आपने वर्ग 2 वगैरह दिया था पहले? हाँ, वर्ग 2 दिया था। उससे बाल विकास इजी था। मतलब वर्ग 3 में थोड़ा, वर्ग 2 में तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, लेकिन वर्ग 3 का तो इजी था। वर्ग 3 का इजी था। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश में किस प्रकार का था? इंग्लिश में जो पैराग्राफ था ना, जो मतलब एक तो होता है वो गद्य लेवल पे, तो उसमें तो वो रामायण का संवाद था, तो वो तो सभी से बन गया, लेकिन जो पद था ना उसमें उसके वर्ड मीनिंग पूछे जा रहे थे। अच्छा, जैसे कि एक बेनेवल करके वगैरह मतलब था। अच्छा, तो उसमें वर्ड मीनिंग थोड़ा समझ में नहीं आता, पर और क्या बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे तो उनको पढ़ने में टाइम लग रहा पढ़ने था। में मतलब ये गद्यांश आपके बड़े आ रहे हैं? बहुत ज्यादा बड़े हैं, क्योंकि पहले आते थे 10-12 लाइन 15 लाइन, बट अब उन्होंने ज्यादा उसको बड़ा कर रहे हैं। अच्छा, अब 20-30 लाइन के लगभग आ रहे हैं। अच्छा, इंग्लिश का बताइए। इंग्लिश में वही उसमें वर्ड मीनिंग भी था और वो ग्रामर भी पूछी गई थी। ग्रामर किस प्रकार की थी? ग्रामर ऐसे थी कि इफ यू कांट गेट जॉब, और एक उसमें ऐसे ही मतलब करके था कि आप उसमें क्या भरना है। जो अलग से करके ग्रामर, जैसे कि एक में मतलब ऑप्शन दिए थे, अब ज्यादा तो याद नहीं है, वेदर करके। अच्छा, और वो आपको भरना था। अच्छा, अच्छा। और एक मतलब वर्ड ऐसे थे कि जो मतलब बैडली लिखा है, तो उसको पता नहीं क्या एक आई रिटन ऐसा करके था, उसमें बैडली फिर आगे चल के आपको करना था। ज्यादा कठिन लग रहा था आपको कि थोड़ा सा? मैं क्या बोल रही हूँ, 99 नंबर। 99 नंबर है। अच्छा, लैब में कितने हाईएस्ट नंबर थे? 102। 102 थे। एक 111 एक लड़की के भी थे, शायद दूसरी लैब में होंगे वो। अच्छा, हिंदी में आपने बता ही दिया, हिंदी का किस प्रकार था? हिंदी का तो नॉर्मल था। नॉर्मल था, गद्य पद्य आ रहा था उसी। हाँ। पे ग्रामर किस प्रकार की आ रही थी, प्रत्यय से या उपसर्ग से या? नहीं, उसमें 2-3 चीजें पूछी गई हैं। क्या क्या? प्रत्यय तो नहीं पूछा गया, ना ही उपसर्ग पूछा गया है, संधि थी, समास था, और वो गद्य लेवल का था, पद्य लेवल का था उसमें आपको, और एक दो क्वेश्चन, और पेडागोजी भी थी अच्छी। हाँ, पेडागोजी किस प्रकार की थी उसमें? नहीं, पेडागोजी तो नॉर्मल सी थी। नॉर्मल थी। हाँ, इंग्लिश तो पेडागोजी किस प्रकार थी वो पूछने? इंग्लिश में तो जो अपन ने पढ़ा है मतलब वो ऑनलाइन क्लासेस पे जो चल रहा है ना। अच्छा, उस पे अच्छा पढ़ा रहे हैं। सीडीपी कैसी थी मीनाक्षी का? सीडीपी, हाँ। सीडीपी ज्यादा टफ तो नहीं है मेरे हिसाब से। ज्यादा टफ नहीं है, अब आपने अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो टफ लगेगा। टफ लगेगी, ज्यादा टफ नहीं और है। जो आपने जीन प्याजे हैं, कोलबर्ग हैं, इनकी वो पूछी जा रही है अवस्था। अच्छा अच्छा, अवस्था सिगमंड फ्रेंड का था एक। अच्छा अच्छा, और कुछ सुबह ये बोल रहे थे कि ऐसे साइंटिस्ट भी आए थे जिनका हमने नाम नहीं सुना, वो भी पूछ ले गए। नहीं, ऐसा कुछ था? तो नहीं लगा, ऐसा नहीं था। चलो बहुत बढ़िया, मैथ्स का बता दिया इन्होंने। मैथ्स में आयु से संबंधित क्वेश्चन थे। हाँ, एक तो रमेश के पिता की आयु 4 गुना थी 10 साल पहले, फिर उसमें और 10 साल ऐड कर दिया, फिर उसके बाद में अब उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। अच्छा, आयु से संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ ही रहे हैं जो सुबह भी आए थे। अच्छा, ये बताइए कुछ करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन आए थे, जैसे कल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अध्यक्ष पूछ ले गए थे। अब ऐसा तो सर नहीं याद। अच्छा, इस प्रकार से याद नहीं है, हर क्वेश्चन तो याद नहीं रख सकते। रोग से चेचक वगैरह से संबंधित कोई नहीं, पशु पक्षी से संबंधित कोई, पर्यावरण में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं थे, तो पर्यावरण में 2-4 क्वेश्चन बताने की कोशिश करिए। एक बताए तो, एक तो वो गुजरात में कुख्यात वाला था, एक वो बेब 2.0 था, और ईवीएस के और मतलब 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो अरे वो क्या बोलते हैं, वो जे मतलब सूर्य से जो किरणें आती है ना, यूवी किरणें होती हैं, कौन सी? अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। अल्ट्रावायलेट नहीं, बी वाली, ए बी करके भी होती है ना, उनसे वो ऑप्शन में ये था, स्किन कैंसर हो जाता है या इस प्रकार वो एक अल्ट्रावायलेट होती है, उनमें देखो 2-3 प्रकार की होती है, एक तो बी भी होती है, तो उसमें करके था कि उससे कौन सा वाला रोग होता है, तो उसमें 2-3 मतलब इंग्लिश में नाम थे, एक था जो काला मोतिया होता है, क्या होता है? अच्छा अच्छा, काला मोतीजार क्या, उसका एक ऑप्शन था। इस प्रकार ऑप्शन थे। नंबर 99 बने हैं जनरल कैटेगरी, जनरल कैटेगरी है, 99 नंबर बने हैं।
हाँ बीटा किरणें होती हैं, बीटा हाँ वो बीटा किरण, हाँ बच्चे ने जवाब दिया है बीटा किरणें होती हैं। हाँ ऐसा ही कुछ अच्छा करके था। और सारा हो गया सारा, मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बनाया, बहुत अच्छे नंबर भी हैं, 99 नंबर। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद।